राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। जो ऊपर बैठे उनकी आंखें बता देती हैं कि मैं कौन हूं, मैं तो तीन ठोर से टेढ़ा दिखने वाला कन्हैया हूं। इनकी आंखें बता देती हैं कि मैं कौन हूँ, मैं मर्यादा के धुरी को धारण करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। दोनों में कोई फर्क नहीं है, हमारे आपके जैसे ही कुछ लोगों का भाव होता है तो ये धनुषधारी बन जाते हैं, और हमारे आपके जैसे ही कुछ भक्तों का भाव होता है तो धनुष को किनारे रखकर प्रेम की बांसुरी बजाने लगते हैं। कोई अंतर तो नहीं है, ये वही है। आपसे मैं निवेदन करूं, श्री गोस्वामी जी महाराज एक बार वृंदावन गए, श्री तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए। वहां पर जब पहुंचे तो देखिए, भक्त भक्त होता है, भक्त जिस इष्ट को अपना मानता है फिर वही सर्वस्व है, वो सम्मान सबका करेगा, पर स्वीकार जिसको उसने कर लिया उससे कभी पलटने वाला नहीं है। बांके बिहारी के भगत जी को आप जबरदस्ती राम भक्त नहीं बना सकते हो, वो तो उन्हीं का रहेगा। आप लाख उसको जबरदस्ती बिठा दो, लेकिन अंत में जैसे ही मैं जय श्री राम बोलूंगी ना, अभी मैंने नोटिस किया, मैंने कहा जय जय श्री सीताराम, तो आधे लोगों ने राधे बोला। ये आपके भीतर जो रचा बसा है उसको कोई बदल नहीं सकता है। श्री तुलसीदास जी महाराज बांके बिहारी के सन्मुख खड़े हुए, किसी ने कहा गोस्वामी जी से इतनी दूर से आए हैं, अयोध्या से प्रणाम नहीं करेंगे, हमारे सरकार के आगे सब झुकते हैं, आप नहीं झुकेंगे? गोस्वामी जी ने कहा प्रणाम तो इनको मैं मन से बारंबार करता हूँ, लेकिन अगर अब आपने भक्ति वाली बात कही है तो गोस्वामी जी का मस्तक तो मेरे राघव जी के सिवा और कहीं झुकने वाला। श्री तुलसीदास जी ने ठाकुर जी की ओर देखकर कहा, कहा कहां छवि आपकी भले बने हो नाथ, आज आपकी इस छवि का वर्णन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, मेरी वाणी में नहीं है। कहा कहां छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। ये शीश तब झुकेगा ना जब ये बांसुरी को किनारे रखो और धनुषधारी रूप में आओ। और कहते हैं कित गोपी कित चंद्रिका कित मुरली कित नहीं कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। तुरंत उन्होंने बांसुरी हटाई और धनुषधारी स्वरूप में आ गए, दोनों एक हैं। जैसा कि प्रारंभ में अभी भैया ने कहा ना, हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे बांके बिहारी ये लीला पुरुषोत्तम है, और हमारे राघवेंद्र सरकार ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो जीवन में उतारने योग्य है, जो किया है वो करोगे तो फंस जाओगे, वो नहीं मुमकिन है। और राघव जी ने जो कहा है वो स्वयं किया भी है। प्रत्येक वो चीज मेरे राघवेंद्र सरकार के जीवन की है, जिसको अपने जीवन में लाने के लिए हमें रंच मात्र भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। दोनों के जीवन में जो भी कथाएं घटी हैं, जो भी घटनाएं, वो हम सभी भक्तों को आनंद देने के लिए ही बनी है। अगर हमारे कन्हैया ने कुब्जा को स्वीकारा है तो हमारे राघव जी भी शबरी जी के यहाँ चले गए थे। अगर हमारे कन्हैया एक वस्त्र सिलने वाले को हृदय से लगा लेते हैं तो हमारे राघव जी भी केवट जी की बातें सुन लेते हैं। अगर यहाँ पर अत्याचार बढ़ा तो कंस जैसे आता ताई का अत्याचार जब बढ़ा तो उसका अत्याचार मिटाया है, उधर रावण ने जब अत्याचार किया तो उसको भी उसका दंड मिला है। दोनों जगह धर्म की प्रधानता रही है। विशेषतः भगवान श्री कृष्ण के जीवन से यह मिलता है, जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाना चाहिए। और हमारे राघव जी का चरित्र कहता है प्रत्येक चीज में मर्यादा आगे होती है, धर्म प्रथम होता है। लेकिन ये अलग अलग युग की बात है, आप इस चीज को भी बहुत भली प्रकार से हम समझे। राघव जी का चरित्र त्रेता युग का था, उस समय के युद्ध में भी धर्म का पालन होता था, उस समय कोई भी चीज धर्म के विपरीत नहीं होती थी।
लेकिन जब द्वापर का समय आया तो केवल और केवल इस चीज में ध्यान दिया गया कि विजय होनी चाहिए, उसके लिए चाहे अधर्म का मार्ग ही क्यों ना चलना पड़े। महाभारत के युद्ध में अनेकों ऐसी घटनाएं आई हैं जहां पर जो सामने शत्रु पक्ष है, दुर्योधन का पक्ष है, वो ये नहीं कहता कि धर्म क्या है। युद्ध नीति से हटकर हजारों बार ऐसे कहूं, दोनों के जीवन के चरित्र में आपको प्रेम की कमी कहीं नहीं मिलेगी। चाहे मैं त्रेता कहूं, चाहे मैं द्वापर कहूं, और चाहे दोनों से ऊपर उठकर मैं आपसे सतयुग की बात कहूं, हर युग में आपने दर्शन किया होगा कि भक्त का प्रेम प्रधान रहा है। सबसे मूल में, सर्वोच्च में, अगर प्रहलाद जी का प्रेम कह देता है कि पत्थर के भीतर मेरा भगवान है, तो उस प्रेम को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी पत्थर से नरसिंह अवतार लेकर आ जाते हैं। अगर त्रेता में अहिल्या जी को विश्वास रहता है कि भगवान मैं इसी रास्ते में पड़ी रहूंगी, मैं जाने में अगर असक्षम हूं, मेरा विश्वास है मेरा भगवान मेरे पास आ जाएगा, तो ठाकुर जी अयोध्या छोड़कर अहिल्या जी को चरण रज देने आ जाते हैं। द्वापर की अगर बात कहें, कितनी गोपियों के साथ मेरे ठाकुर जी ने जो उनकी भक्ति को स्वीकार किया है, और तो और छोड़ो, जो कई जन्म से श्राप वश कोई पेड़ बना है, कोई किसी रूप में है, कोई दानव रूप में है, सबको सरकार ने गति प्रदान की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर मैं आपके मध्यान्ह श्री राघव जी की कथा लेकर आई हूँ तो केवल राम कथा होगी, नहीं, ये दोनों हमारे हैं, हम दोनों को मध्य में लेकर चलेंगे। पर हाँ, प्रधानता जिस विषय में राघव जी ने मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है, मैं वो प्रधानता आपके समक्ष रखूंगी। कन्हैया तो मन में रचे बसे हैं ही, अब थोड़ा सा मेरा प्रयास होगा कि आप सभी के दिल के एक कोने में मैं अपने अवध बिहारी को बसा करके जाऊं। हम और आप जिस कथा को सुनने वाले हैं, जिस ग्रंथ की कथा को सुनने वाले हैं, इस ग्रंथ का क्या नाम है? क्या नाम है? श्री रामचरित मानस। रामायण हम इसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं, पर मूलतः रामायण वो ग्रंथ है। रामायण कई लिखे जा चुके हैं, आध्यात्म रामायण है, कई प्रकार के रामायण की रचना अनेक अनेक लोगों ने की। श्री वाल्मीकि जी ने एक रामायण लिखी, लेकिन मेरे गोस्वामी जी ने इन सभी की लीक से हटकर ये जो ग्रंथ की रचना की, इसमें कुछ चीजें बहुत अलग हैं। अलग क्या है? प्रथम चीज, इसमें गोस्वामी जी ने प्रत्येक स्थान पर मर्यादा को बहुत बांध कर रखा है। कोई भी ऐसा प्रसंग, मैं आगे भी चर्चा करूंगी, कोई भी ऐसा प्रसंग जिससे किसी के चरित्र या जीवन पर कोई उंगली उठी हो, गोस्वामी जी ने उस चरित्र पर ताला लगा दिया है, उसका विस्तार नहीं किया है। अहिल्या जी के प्रसंग का भी आप दर्शन करेंगे, हम और आप बहुत लोग जानते हैं किस कारण से श्राप मिला, तो क्या गोस्वामी जी को नहीं पता था कि क्यों गौतम ऋषि ने श्राप दिया होगा? सब पता है, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ने मर्यादा का पालन करते हुए उस चरित्र को अल्प में लिखा। दूसरी चर्चा मैं आपसे करूं, इस ग्रंथ का नाम पड़ा है श्री रामचरित मानस। बहुत ही ध्यान पूर्वक, चूंकि प्रथम दिवस की कथा कहती है, हम सब बैठकर पहले ये समझ लें कि इस कथा को लिखा किसने, ये कथा कहां से शुरू हुई, कहां तक पहुंची, किसने गाई और किसने सुनी। क्योंकि आज के समय में, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या अन्य भी किसी माध्यम से, कोई भी एक चौपाई जो हमारी बुद्धि में नहीं उतरी, हमने उसे पकड़ लिया और राम क्या नाम क्या दिया, तुलसीदास जी कह रहे हैं ना भैया, इस कथा को गाने वाले हम तो पांचवे हैं, चार इसके भीतर बैठ के अंदर गा रहे हैं, चार पहले से हैं, हम पांचवे हैं, चार जगह पहले से है, ये आपका करुणामय भवन पांचवी जगह है। वो चार वक्ता कौन है, और इन चारों कथा कहने वाले वक्ताओं ने अलग अलग जगह पर जिसको वो कथा सुनाने बैठे हैं, उनसे अलग अलग चर्चाएं की हैं,
तो आप कहेंगे फिर गोस्वामी जी ने क्या लिखा है। इन सभी ने जो कथा गाई है गोस्वामी जी ने, ये समझिए उसको कॉपी करके लिखा है। ये कथा रचना करने वाले गोस्वामी जी नहीं है, इस कथा को भाषाबद्ध करने वाले गोस्वामी जी हैं। जैसे आप में से कोई कविता आप लिखो, उसको लिखित रूप में मैं कॉपी कर दूं, बस यही अंतर है। इसके रचयिता कौन हो जाएंगे कविता के? क्या मैं हो जाऊंगी अगर मैंने पेन से एक पेपर पे लिख दिया तो? उसके रचयिता आप ही रहोगे जिसने उसका निर्माण किया है, जिसने रचना की है। ठीक उसी प्रकार से ये श्री रामचरित मानस जो ग्रंथ है, इसकी रचना करने वाले गोस्वामी जी नहीं, हमारे भगवान शिव शंकर हैं। भोले बाबा ने इस श्री राम कथा को लिखा, कहाँ लिखा? किसी पेपर पे नहीं, किसी भोजपत्र में नहीं, किसी किताब में नहीं, इसकी रचना की और इसको लिखित रूप से अपने मन में लिखा है। इसका प्रमाण भी गोस्वामी जी ने साफ साफ शब्दों में दिया, लेकिन भूल बस यही है, आधी बात को जानकर निर्णय लेने में कभी भी हम सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने ये जो ग्रंथ लिखा, संवत 1631 में इस ग्रंथ की रचना का उन्होंने, इसको लिखने का कार्य गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया। यह ग्रंथ का लेखन कार्य पूर्ण हुआ 1633 में, यानी कि 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह ग्रंथ गोस्वामी जी ने पूरा लिखा। इसके सातों कांड की रचना की। किस दिन से लिखा? ये जो श्री राम नवमी आ रही है 30 तारीख को जो आने वाली है, 1631 में गोस्वामी जी ने राम नवमी के दिन से इस कथा को लिखना शुरू किया था। कहा जाता है जिस दिन गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का लेखन कार्य प्रारंभ किया, उस दिन योग लग्न ग्रह वार तिथि सब कुछ वही थे जो राम जन्म के समय त्रेता में थे। उस दिन वही नक्षत्र था, वही लग्न था, वही मुहूर्त थी। इस दिन से लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और पूर्ण कब हुआ? संवत 1633 में श्री राम विवाह के दिन। आज भी आप कभी दिसंबर के महीने हिंदी में कहो तो अगहन मास जो आता है, इसमें श्री राम विवाह उत्सव मनाया जाता है। विवाह पंचमी के दिन गोस्वामी जी ने सातों कांड का लेखन कार्य पूर्ण किया है।